हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल सो फ्रेंड्स दिस इज लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ एंड पार्ट टू ऑफ योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्ट तो इसको ध्यान से देखना पिछले वाले में तो मेनली थ्योरी था मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें से ज़्यादा पूछे जाएंगे लेकिन इसमें से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ओके सो लेट अस क्विकली सी व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस लेक्चर बिफोर गोइंग ऑन टू दैट एम कोर्सेज जो अब असलियत में आपके काम आएंगे उनको आप ज़रूर परचेज करो ठीक है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू और अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर उसको ज़रूर अटैम्प्ट करो आपको जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है या जो हमारा वे ऑफ टीचिंग यू थ्रू द एम है वो आपको पता चल जाएगा इट्स अ नॉन वीडियो एम कोर्स लेकिन क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया गया है आंसर्स को इस तरीके से डाला गया है कि आपको वीडियो की उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है ओके okay? एंड uh, अगर आप कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर ओके सो वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एक तो हम नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड देखेंगे नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड अलग है और स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड अलग है ऐसा ना लगे आपको कि ये सेम है जस्ट टू राइट इट इन वन बॉक्स मैंने यहाँ पर इसको नेशनल और स्टेट एक साथ लिख दिया है ठीक है उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद आ जाता है आपका सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेफ़्टी कमेटी तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आपकी यहाँ पर आ जाएंगी जिसको हम कवर करेंगे ओके चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है तो ये बेसिकली बोर्ड कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस बोर्ड को बनाएगा एंड इस बोर्ड का, का काम क्या होगा ये जो भी इस कोड के अंदर इसको फंक्शंस दिए जाएंगे वो परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किन चीज़ों के ऊपर एडवाइस देगा कोई भी स्टैंडर्ड हैं रूल्स हैं रेगुलेशन हैं जिनको इस कोड के अंदर फ्रेम करना है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे एडवाइस मांग सकती है तो इनको एडवाइस देनी पड़ेगी उसके अलावा कोई भी प्रोविज़न इस कोड का इंप्लीमेंट करना है वेरियस प्रोविजंस इस कोड के अंदर डाल दिए अब उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है तो इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है क्या प्रोसेस होएगा उसके अंदर भी रिकमेंडेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी द इश्यूज़ ऑफ़ पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेफर टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई भी अगर पॉलिसी और प्रोग्राम से रिलेटेड सेफ्टी uh, और हेल्थ से रिलेटेड वर्कर्स की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भैया हमें एडवाइस दो एंड लास्ट इज़ एनी अदर मैटर तो कोई भी मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करती है डेफ़िनेटली इनको एडवाइस देनी पड़ेगी ओके okay? <coughs> उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बोर्ड की आ जाती है वो होती है उसके मेंबर्स के बारे में पता होना डायरेक्ट क्वेश्चन मेंबर्स में से पूछा जा सकता है इनफैक्ट मैंने अपने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पोस्ट भी किया था आप लोगों ने अगर उसको फॉलो किया है तो ओके okay? सो so, जो नेशनल बोर्ड होगा उसके अंदर आपका चेयरपर्सन कौन होगा

के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आपके मेंबर होंगे माइंस सेफ्टी धनबाद के डायरेक्टर जनरल मेंबर होंगे ठीक है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिवस नागपुर विल बी द मेंबर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली के जो चेयरमैन हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे ठीक है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली जो है वो भी इसके मेंबर होंगे ये सारे के सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे ठीक है उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डीलिंग विद द लेबर मैटर्स ऑफ फोर स्टेट्स बाय रोटेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट तो चार प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चार स्टेट्स में से ये चार स्टेट्स को रोटेशन बेसिस पे घुमाते जाएंगे पहले कोई चार स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद दूसरे चार स्टेट्स एंड ये जो रोटेशन का क्राइटेरिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी ओके उसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली के डायरेक्टर जनरल भी इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली के डायरेक्टर जनरल ठीक है पांच इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एम्प्लॉयर के और पांच रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एम्प्लॉयज के ओके okay? उसके अलावा प्रोफेशनल बॉडी से एसोसिएटेड एक रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर होगा ओके okay? उसके अलावा फाइव एमिनेंट पर्सनस कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वो भी इसके अंदर चुने जाएंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रिप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी आपके लेबर या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं टॉप क्लास इंडिया के अंदर उनमें से भी मेंबर्स चुने जा सकते हैं उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी तो स्पेशल इन्वाइटीज बुलाए जा सकते हैं स्टेट से या, या यूटी से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उसके अलावा आपका जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के वो भी इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे ठीक है उसके बाद अगर हम टर्म ऑफ उफ ऑफिस की बात करें तो इसमें कुछ टर्म ऑफ उफ ऑफिस जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं जैसे आपका जो जी जे के एल और एम पोजिशन हैं जी जे के एल और एम तो जी पर कौन था आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और जे पर आपके पांच रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स के हो गए पांच रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयज के हो गए ठीक है जी जे के एल एल में आपका प्रोफेशनल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव आ गया और एम के अंदर पांच एमिनेंट कनेक्टेड पर्सन आ गया तो जो ये आपके पोजिशन है जी जे के एल एम के ऊपर दैट इज योर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर फाइव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज उसके बाद आपका प्रोफेशनल बॉडी से रिप्रेजेंटेटिव फाइव फाइव एमिनेंट पर्सन कनेक्टेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा दैट विल बी थ्री इस ठीक है और इनका नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स इन पोजीशंस पर चुने जाएंगे ठीक है उसके बाद एक टेक्निकल कमेटी का भी प्रोविजन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल कमेटी या जिसको आप एडवाइजरी कमेटी बोल सकते हो वो भी बना सकती है कितनी कमिटीज बनानी है और हर कमेटी में कितने मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बेसिकली इस टेक्निकल कमेटी का काम क्या होगा ये आपके इस नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड को असिस्ट करेगी ठीक है जी उसके बाद सिमिलरली सेम लाइंस के ऊपर आपका स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है इसका इसका कॉन्स्टिट्यूट इसको बनाने का काम इसका प्रोसीजर ठीक है वो सारे का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और स्टेट बाकी सारा सिस्टम इसका सेम रहेगा ठीक है किसको इम्प्लॉय करना है किसको चेयरमैन करना है वो भी सब इसके अंदर आ जाएगा उसमें अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एंड इसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है टेक्निकल कमिटीज या एडवाइजरी कमिटीज जो है वो बना सकती है ओके चलिए उसके बाद सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस की बात की गई है तो किसी भी समय जो आपका डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ थो थो हैं वो एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के या एस्टेब्लिशमेंट में जाकर के रिक्वायर्ड सर्विस दे कैन ओके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैक्ट्री या माइन में कोई सर्वे करना है तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ठीक है अगर आ, किसी और फैक्ट्री में करना है तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट ये भी आपके जो है सर्वेस कर सकते हैं माइंस के केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी आ गया ठीक है और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज वो भी आपके फैक्ट्री में जाकर के सर्वेस कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट लेवल पर अथॉरिटी देती है टू कैरी ऑन द सर्विस ठीक है लेकिन सर्वे करने से पहले आपको जो अथॉरिटीज हैं उनको इंप्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग के अंदर सर्वे कंडक्ट करने से पहले दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है जी उसके बाद अगर किसी सर्वे के लिए वहाँ पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ जाती हैं ओके एंड दे वांट एनी एम्प्लॉय और द नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन की उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से आप उनको रोक नहीं सकते हो ओके फॉर एग्जाम्पल अब वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज वाले चले गए देखने के लिए कि प्रॉपर हेल्थ जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं एम्प्लॉयज़ का किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में वेयर दे कैन यू नो वर्किंग इन हजार्डस इंडस्ट्री जहां पर लेड पॉइजनिंग और उसके केसेस हो सकते हैं तो वो एम्प्लॉयज का टेस्ट करा सकते हैं कि, कि किसी एम्प्लॉय को इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों उस केस में मना नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आ, बोला गया है कि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना है और सिमिलरली एक पोर्टल बनाना है आपने इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ठीक है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली कलेक्ट करेंगे कंपाइल करेंगे और एनालाइज कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स ओके एक डाटाबेस प्रॉपर वो मेंटेन करेंगे कि कौन सी स्टेट से किस स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स बेसिकली जा रहे हैं ठीक है एक पोर्टल बनाया जाएगा इसके लिए जहां पर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अपने आप को जाकर के रजिस्टर कर सकता है रजिस्टर करने के बेनिफिट्स ये होंगे कि जो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बना रहे हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए या जो भी बेनिफिट्स उनको इस स्कीम्स के अंडर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो उनको टाइमली मिलेंगे ओके और रजिस्टर करना में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई बहुत सारे प्रूफ्स लगाने पड़ेंगे पोर्टल के ऊपर जाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन और एक आधार सब जो है सिर्फ उन्हें सबमिट करना है एंड दे कैन बी रजिस्टर्ड एज अ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं अपनी स्टेट से जाकर के फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से जाकर के महाराष्ट्र के अंदर एक अपनी खुद की दुकान खोल लेता हूँ एक शॉप खोल लेता हूँ ठीक है हो तो मैं इंटर स्टेट माइग्रेशन मैंने किया तो क्या मैं इंटर स्टेट पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकता हूं तो यस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो किसी दूसरी स्टेट में तो उस केस में भी आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो इस तरह की चीजें ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सीधा का सीधा उठा करके डाल देता है ठीक है उसके बाद आ जाइए सेफ्टी कमेटी के ऊपर तो जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स हैं दे कैन रिक्वायर एनी स्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ स्टेब्लिशमेंट वो आपकी गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी जो आपकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं दे नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेफ्टी कमेटी और इस सेफ्टी कमेटी में इंप्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव सेम नंबर में होने चाहिए जितने इम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि अगर पाँच एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो पाँच ही इम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिवस भी होने चाहिए और इन रिप्रेजेंटेटिवस को कैसे चूज करना है ताकि पार्शियलिटी ना हो उसका प्रोसीजर भी जो है वो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी ठीक है जी चलिए उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर्स तो कुछ स्टैब्लिशमेंट में वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि कौन सी सीब्लिशमेंट्स में आपका सेफ्टी ऑफिसर आपने अपॉइंट करना है तो जिस फैक्ट्री में पांच या उससे ज्यादा वर्कर हैं ठीक है ठीके? कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर हेजार्डस प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है वहां पर टू या उससे ज्यादा वर्कर्स बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वाली स्टैब्लिशमेंट में 250 या उससे ज्यादा वर्कर्स माइन के केस में हंड्रेड या उससे ज्यादा वर्कर्स अगर एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा इंप्लॉयर्स को एंड इन सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या ये ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे ये सारे के सारे रिक्वायर्ड गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी सेंटर के केस में सेंट्रल और स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा डायरेक्टली पेपर के अंदर इसको वो पूछ सकता है ओके okay, चलिए उसके बाद हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन तो इंप्लायर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी इस्टैब्लिशमेंट के अंदर अपनी ताकि वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके और क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं क्या उसको चीज़ें मेंटेन करके रखनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी लेकिन एक छोटी सी एक्टर एक्सॉस्टिव लिस्ट सेंट्रल गोड के अंदर डस्ट फ्री नॉक्शियस गैसेज फ्री फ्यूम फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए ठीक है वेंटिलेशन कूलिंग एयर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वॉटर होना चाहिए साफ पानी ठीक है ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करें एम्प्लॉयज़ के पास सफिशियंट स्पेस होनी चाहिए एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर ठीक है वॉशरूम फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए और मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेट जो है वॉशरूम फैसिलिटीज़ वहां पर उनको मेंटेन करनी पड़ेंगी वेस्ट एंड एफ्लुएंस की ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी दूसरा अरेंजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल राइट चलिए सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एज वेल ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका इसके अंदर से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल राइट एंड पी डी एफ लिंक्स कोर्स लिंक्स सब लोग सब चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द चैनल प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट आर यूजर बेस कैन इंक्रीज एंड वी कैन ब्रिंग इन मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट सो गाइज आई सी यू इन अनदर लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय